बुद्धा फेस म्यूरल कैसे बनाए फ्रेंड, आज पूरा इसका डिटेल करके बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। वेलकम टू माय आर्टेक चैनल फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते एकदम ड्राइंग से, कैसे पूरा रिलीफ बनाए, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने एक हाफ इंच थिकनेस का क्ले टाइल्स बना लिया, प्लाई का ऊपर, पीछे प्लाई है उसका ऊपर मैंने ये स्लैब बना लिया, और स्लैब में स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो साइज बना के उसका अंदर मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ। आप लोग फ्री हैंड ड्राइंग नहीं आएगा तो आप पेपर में पहले आप स्केच कर लीजिए, वो पेपर क्ले का ऊपर रख के टेंसिल का प्रोसेस में आप टेंसिल कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, मैंने फ्री हैंड करके दिखाता हूँ। पहले ये जो साइज है 3x2, ठीक है ना, इसका सेंटर लाइन कर लिया। सेंटर लाइन का बाद दोनों साइड एक सेम डिवीशन करके, मतलब ये फेस रहेगा एकदम सेंटर में, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तो उसमें आपको फेस का जो साइज होगा, जो कंपोजिशन आप बनाएंगे, तो ये आप मेजरमेंट उसी हिसाब से आपको सेंटर लाइन फॉलो करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बालों का एक एरिया है, फेस का एरिया है और नेक का एरिया है। अभी आंखों लाइन, आंखों का लाइन, नोज और लिप्स, ठीक है। यहाँ पे लंबा ईयर होता है तो लंबा करके इसको एकदम नीचे तक बना लीजिए। अभी आंखों का जो मेजरमेंट है, ये टूल्स आप यूज करके आप आंखों का लाइन भी मेजर कर लीजिए। दोनों साइड सेम होना चाहिए, है ना। तो सिमेट्री करने के लिए आप टूल्स का, मेजरमेंट टूल्स का आप इस्तेमाल कीजिए। चलिए, ड्राइंग आप हो गया। अभी जो भी इम्प्रोवाइज होगा वो बाद में देखेंगे, चेंजेस जो भी करेंगे, है ना। तो मिट्टी लगाना शुरू करते हैं। देखिए, ये रिलीफ जो हो रहा है, इसमें ये मल्टीपल प्रोडक्शन होगा, फाइबर मोल्ड होगा, फाइबर मोल्ड से अब फाइबर कास्टिंग होगा। तो यहाँ पे रिलीफ ज़्यादा नहीं करेंगे, मिट्टी ऐड ज़्यादा नहीं करेंगे। आप मान के चलिए हाफ इंच मैक्सिमम थिकनेस करेंगे, हाफ इंच थिकनेस का अंदर ही आपको 3D सेंस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आप धीरे 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 मिनिमम मिट्टी लगाइए, उसके बाद जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी का ज़रूरी है, रिलीफ ज़रूरी है, वहाँ पे उस हिसाब से आपको मिट्टी चराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ड्राइंग को फॉलो करके मिट्टी को धीरे 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 आप अप्स एंड डाउन्स फॉलो करके आप लगाते जाइए। रिलीफ किसको बोलते हैं? रिलीफ होता है 2D सरफेस, है ना। 2D सरफेस में आपको मिनिमम एडिंग करके, मिट्टी हो, स्टोन, वुड, ये मटेरियल आप मिनिमम रिलीफ में, आप मैक्सिमम, मतलब 3D फीलिंग्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे आपको भी ये ट्राई करना पड़ेगा, आपको वो फीलिंग्स देने का। तो यहाँ पे हाफ इंच थिकनेस में आपको मिट्टी चरा के आपको पूरा वो फीलिंग्स देना पड़ेगा। क्या आप वॉल में जब डिस्प्ले करेंगे आपको लगेगा क्या ये 3D है। यहाँ पे टूल्स देखिए, मैंने मिट्टी तो ऐड हो गया, अभी सरफेस एक स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ करने के लिए जो हेक्सो ब्लेड होता है ना, इसका टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा एक ले लीजिए और इसको सरफेस को स्मूथ कीजिए, जो लेवल होता है। कोई कोई करते ना, ये लगाने का बाद पानी से ये हाथ से करना शुरू कर देते, तो उसमें टाइम भी लगता है और सरफेस भी स्मूथ नहीं होता है, ठीक है।
तो ये स्मूथ करने के लिए कुछ ऐसा कुछ स्क्वायर टाइप का कुछ टूल्स ले लीजिए और उससे आप सरफेस स्मूथ कीजिए। स्मूथ नहीं, ये प्लेन, मतलब सरफेस को प्लेन कीजिए, अप्स एंड डाउन्स को फॉलो कीजिए, है ना। कहाँ पे डेप्थ होगा, कहाँ पे ज़्यादा रिलीफ होगा, तो इस हिसाब से आप एडिंग और कटिंग कर लीजिए। ये मिट्टी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल है। जैसे आप स्टोन में करेंगे, जैसे वुड में करेंगे, तो उसमें तो बहुत ही ध्यान से आपको मतलब पीछे का तरफ जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जैसे सरफेस है, सरफेस से आगे ऐड कर रहे हैं और उसमें क्या पूरा सरफेस से नीचे जाना पड़ेगा। तो मिट्टी में आपका फ्रीडम बहुत है। अभी एक टूल्स ले लीजिए जिसमें और भी आप सरफेस को स्मूथ कर सकते, प्लेन कर सकते। तो ऐसा कोई भी एक प्लेन सरफेस, प्लेन कुछ टूल्स ले लीजिए घर में अवेलेबल, ठीक है ना। जैसा मैं दिखा रहा हूँ ऐसा कोई लेना ही चाहिए, ये छोड़ के नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। चलिए अभी धीरे धीरे आपको जो डिटेलिंग है, जैसे आँखों को, नोज, ये सब धीरे 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 आपको स्मूथ करना पड़ेगा। तो आपका फिंगर्स ये है सबसे अच्छा टूल्स, है ना। इसको धीरे 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 एक एक पार्ट पकड़ के आपको स्मूथ करना पड़ेगा। और पानी ज़्यादा नहीं है, एकदम मिनिमम, हाथ साफ करके स्मूथ करके आपको मिट्टी ऐड करना पड़ेगा। बुद्धा फेस में लिप्स, आई, नोज, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक्सप्रेशन इतना सॉफ्ट है, तो ये लेकर आना बहुत मुश्किल काम है। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आ जाएगा, तो अलग अलग टाइप का आप ट्राई करके देखिए, नहीं हो रहा है उसको मिटा दीजिए, फिर से मिट्टी ऐड कीजिए, है ना। जैसा मैं बना रहा हूँ, इसमें अच्छा नहीं लगेगा तो मैं तोड़ दूंगा, उसको लिप्स को हटा देंगे, फिर से मिट्टी ऐड करेंगे, है ना। तो ऐसा करके आप ट्राई करते जाइए। जब आपको लगेगा हाँ ये बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तब उसको रखें। जैसा मैं एक दिन करता हूँ, कम करके ढक देता हूँ, रख देता हूँ, सुबह उठ के लगता है यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से मैं उसको चेंज करता हूँ। तो ऐसा भी आप, क्योंकि मिट्टी तो सूखेगा नहीं, आप पॉलीथीन से ढक दीजिए। यहाँ पे देखिए आईलेस जो है इसका डाउन का तरफ, तो ये दो तीन लेयर है, ऊपर एक, और आईबॉल जो है थोड़ा सा हल्का पतला दिखाई देगा, और नीचे का तरफ, तो ये तीन लाइन यहाँ से अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। अभी इसमें आप देखिए लाइट भी मैंने यहाँ पे अलग अलग एंगल से मैं अरेंज किया, अभी टॉप एंगल से लाइट आ रहा है, तो इसमें क्या होगा जो शैडो क्रिएट होता है ना, इसमें आपको पता चलेगा। कभी साइड से आपको लाइट गिरा के देखना पड़ेगा, है ना। तो ये फ्लैट लाइट से ये काम अच्छा नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप चारों साइड से, चारों एंगल से आपका लाइट आ जाए तो इसमें शैडो क्रिएट नहीं होगा, तो इसका वॉल्यूम भी आपको नजर नहीं आएगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा काम करते हुए, क्योंकि रिलीफ है बहुत ही पतला मिट्टी चरा के आपको डायमेंशन देना है, वॉल्यूम देना है, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लिप्स को देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग करना चाहिए, ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, देखता हूँ।
अभी बालों का जो एरिया है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बहुत सारा गूगल में सर्च करेंगे जो भी है, तो उसमें देखेंगे कि आप बालों का ऐसा लाइन खींच दिया और राउंड राउंड सा कुछ गोलाई बॉल बना के उसमें चिपका दिया। ऐसा नहीं है, उसमें भी एक तरीका है। राउंड गोलाई में भी उसमें भी आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो सेंटर का तरफ आपका मतलब ये जो लाइन मैंने खींचा ये एक्चुअली जो राउंड है ना, जो बालों का जो लाइन है, तो ये एक फॉर्मेशन में है। आप एंटीक कोई स्कल्पचर देखेंगे, पुराना स्टोन कोई स्कल्पचर देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा। अभी इसमें जो रिलीफ है, इसमें डायमेंशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में उसका गोलाई का साइज छोटा करना पड़ेगा। तो अभी सेंटर वाला पोर्शन मैं लगा देता हूँ, बाद में दोनों साइड देखिए मेरा ये छोटा 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 करके, तब क्या होगा, एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। देखिए लग रहा है बहुत राउंड है, बहुत उभरा हुआ है, बहुत रिलीफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी क्या करना पड़ेगा, ये राउंड ऐसे छोड़ देंगे तो ये बहुत ही बुरा लगेगा, इसको अच्छा से उसको बॉडी का साथ मैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ब्रश ले लीजिए, थोड़ा पानी ले लीजिए, इसमें अच्छा करके इसको घुमा घुमा के जॉइंट हिस्सा आप मिला दीजिए, ठीक है ना। अभी ये जो राउंड हिस्सा है उसमें भी एक देखिए, ये भी एक स्टाइलाइज्ड एक फॉर्म है, मतलब लाइंस है, तो इसको एक बार फॉलो करके देखिए। मतलब ऐसा नहीं है क्या, सी सी टाइप का कुछ लाइंस मैंने देखा, तो ये पूरा के पूरा कंप्लीट कर लीजिए और ब्रास से इसको फिनिश कर दीजिए। नेक्स्ट जो है इसमें मैंने इसका कुछ कॉफी वर्क है, ये टाइल्स टाइल्स टाइप का कुछ स्लैब अलग से बना के मैं इसको ऊपर चिपका दिया और इसको फिनिश कर दिया, ठीक है। ये आप लोग अपना हिसाब से भी कर सकते, कुछ जैसा पिछले मैंने वीडियो में कुछ अलग किया था इसमें अलग किया, तो ये प्रोसेस मैं नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड, तो आप लोग भी बनाइए। Thank you.